गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं तान्या सिंह सिट्रस फ्रेट की तरफ से कम्युनिटी कनेक्ट में एक बार फिर एक नए टॉपिक और गेस्ट के साथ इस प्लेटफॉर्म पे आई हूं और आप सबका वेलकम करती हूं। सिट्रस फ्रेट इंडियाज फर्स्ट रेफर कंटेनर बुकिंग ऐप है पेरिशेबल एक्सपोर्टर्स के लिए, जहां आप एंड टू एंड रेफर्स शिपिंग सर्विस बुक कर सकते हैं। इसी के साथ हमने कम्युनिटी कनेक्ट स्टार्ट किया है, जिसका एक ही मकसद है कि हम अपने एक्सपोर्टर को अपलिफ्ट और एम्पावर कर सकें। आज का हमारा वर्कशॉप बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में शुरू किया गया है। इसमें हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, तो आप आखिरी तक प्लीज बने रहिएगा और आपके जो भी सवाल हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब दिए जाएं। इसी के साथ नाउ आई वुड लाइक टू कॉल आवर गेस्ट स्पीकर ऑफ द इवेंट, मिस्टर वैभव शर्मा, सीरियल एंटरप्रेन्योर एंड फाउंडर ऑफ जीएफई ग्रुप ऑफ कंपनीज, हैविंग मल्टीपल बिजनेसेस ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक्स फास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट्स एंड डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, हैविंग कंपनीज इन इंडिया, यूएई, मलेशिया, यूएस एंड वर्किंग टू एजुकेट एंटरप्रेन्योर्स टू गो इंटरनेशनल। सर, वी आर हैप्पी कि आप यहाँ आए और मैं आशा करती हूँ कि ये हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए एक वैल्यूएबल वर्कशॉप होगा। तो सर, ओवर टू यू। थैंक यू तानिया मैडम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस इवेंट। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार सब लोगों को ओपनली पूछना चाहता हूँ कि आप लोग क्या जानना चाहते हो। ये वर्कशॉप जो हमने रखा है, हम कनेक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री के साथ, आप लोग एक्सपोर्ट में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है या कहाँ पे आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चंस है, वो जरा मुझे एक बार बताओ, तो वहां से एक बैकग्राउंड, एक एजेंडा सेट हो जाएगा अपना, फिर हम उस पर आगे चलेंगे। और आई विल टेक दिस वर्कशॉप टू द एग्जैक्ट डायरेक्शन विच यू वॉन्ट, क्योंकि मैं तो बोलते रह सकता हूँ, दो चार छह घंटे मेरा काम है, मुझे अगर बोलने, लेकिन ये जो आधा घंटा या एक घंटे का जो पूरा सेशन है, आई वॉन्ट टू डेडिकेट टू यू, वॉट यू वॉन्ट, what do you want to ask, what do you want to do, and let me help you doing that, what do you want exactly. to main meri company hamare log bahut sare hamara bahut bada network already bahut sara export kar rahe hain pure world mein kar rahe hain, aapko kahan pe problem aa rahi hai wo mujhe janna hai. to you can start, you can speak, you can unmute. how to get supplier from india, what paperwork is required, how long it takes in export of product, how to find buyer, how to, so ये आपके क्वेश्चन से बायर कैसे मिलेगा, सप्लायर कैसे मिलेगा, पेपर वर्क कैसे होगा, हाउ टू ट्रस्ट बायर इन गल्फ कंट्री। सर संजय शिंदे बोलता हूँ। बोलो सर जी। ये हमारा जो प्रॉब्लम खाली फंडिंग का ही प्रॉब्लम है हमारा, ग्रामीण एरिया मिडिल क्लास से है हम, कंपनी रजिस्ट्रेशन किया है मैंने अभी जून महीने में। जी जी। रॉ मटेरियल बहुत है मेरे पास में, अपना कैप्सिकम का है, मिर्ची, हरी मिर्ची का है, लाल मिर्ची का है, ऑनियन का है, लेकिन फंडिंग से मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ कंपनी। जगह भी बहुत है मेरे पास में, रजिस्ट्रेशन का सर पूरा एक कर लिया है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है वो बताओ। फंडिंग का ही है, बाकी लोन लोन का ही है, लोन भी मिल जा उसके लिए बाकी है, तो टीम वगैरह सब तैयार है, मैन पावर भी बहुत है मेरे पास में। आपके पास फंडिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है? आपके पास अगर मटेरियल है तो आपको फंडिंग क्यों चाहिए? ये वो लोगों को ये करना पड़े, परचेस के लिए होना ना मुझे प्रोसेस में। हाँ तो आपके पास मटेरियल तो ऑलरेडी है ना, आपने बोला ऑनियन है आपके पास, जैसे आपने बोला। नहीं यानी लोगों से मेरे एरिया में जो इलाका है ना हमारा, वो किसानों से पास उनका प्रोडक्शन है, ऐसा वो सब वेजिटेबल का प्रोडक्शन ज्यादा है हमारे। देखो आपको एक बार तो परचेज करना पड़ेगा, चाहे वो आप उधारी पे करो, चाहे आप क्रेडिट पे करो, चाहे 50% एडवांस दो उनको, एक बार आपको मटेरियल आपके हाथ में होना चाहिए कंटेनर का, उसके बाद वो साइकिल आपका चलता रहेगा। वो मेरा डिहाइड्रेशन जो है ना, वेजिटेबल डिहाइड्रेशन का वो प्रोजेक्ट मैंने वो कंपनी रजिस्ट्रेशन किया है अभी। आपके पास एक्सपोर्ट का लाइसेंस है? हाँ एक्सपोर्ट का भी लाइसेंस हो गया मेरा। ठीक है, हम सारे पॉइंट आज डिटेल में कवर करेंगे, मैं आपका पॉइंट समझ गया। यस थैंक यू सर, थैंक यू। और बताइए और किसका क्या कंसर्न है? आई वांट टू आस्क योर पॉइंट्स एंड कंसर्न प्लीज। वैभव, कबीर हियर। या
Now I'll tell you what. So I have export company registered. I have all the documents in place, IEC code, APEDA license, and everything I have, RCMC. Now I am more interested in onion. Okay. अभी अंडे में क्या है तो आई वॉज टॉकिंग टू फ्यू ऑफ दी बायर्स इन मुंबई एंड श्रीलंका. अभी प्रॉब्लम क्या आता है ना कि मेजोरिटी दुबई में अगर आप बात करोगे तो हमारे यहाँ से दुबई, बांग्लादेश और श्रीलंका ज्यादा करके अनियन जाता है. ठीक है. और मैं बॉम्बे बैठता हूँ तो मेरा ज्यादा इंटरेस्ट महाराष्ट्र से अनियन को सोर्स करना ईजी है. इसके लिए मेरा इंटरेस्ट अनियन में है. अनियन हो गया, बनाना हो गया. अब प्रॉब्लम क्या आता है कि बायर ऑर्डर देने को रेडी है पर वो ऑर्डर देने के बाद में जो पेमेंट टर्म्स वो बोलता है ना वो डाइजेस्ट नहीं होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मेरे पास अभी 1 कंटेनर एवरी वीक का ऑर्डर है लेकिन बायर बोलता है कि आप कंटेनर शिप करो यहाँ से और बीएल का कॉपी सरेंडर करो तो वो 15% एडवांस रिलीज करेगा. और कंसाइनमेंट पहुंचने के बाद में, कंसाइनमेंट चेक करने के बाद में वो 75% 85% जो भी बचता है वो रिलीज करेगा. प्रॉब्लम ये है कि वो तो बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन भी करता नहीं है और टीटी करने बोलता है तो ये तो टोटल सुसाइड वाला केस हो गया ना. बीएल सरेंडर कर दिया तो फिर हमारे पास तो कुछ बचा नहीं है, उसके पास ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गया पूरा. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. तो अभी ये प्रॉब्लम है तो से वी कैन अरेंज द फाइनेंस, वी कैन अरेंज द प्रोडक्ट, वी कैन डू द एक्सपोर्ट. प्रॉब्लम ये है कि पेमेंट का श्योरिटी, और हम हर दिन देख रहे हैं कि दुबई में और सब जगह पे बड़े बड़े फ्रॉड्स हो रहे हैं. बिल्कुल एग्रीड. आई वांट टू अंडरस्टैंड कि अगर हमको अनियन या बनाना एक्सपोर्ट करना है तो पेमेंट सिक्योर कैसे करें, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. ठीक है, वी आर कमिंग ऑन दैट. और आज इस पे हम लोग बात करने वाले हैं. इसके लिए कुछ मैं आपको सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ. ओके. उसके बाद में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी. डोंट ग्रेट ग्रेट ग्रेट. थैंक यू. और कोई पॉइंट है किसी का? We want to discuss this point. हेलो सर, आई एम राजेश रिहागौने फ्रॉम पुणे. अभी मैंने ना एक्सपोर्ट का रजिस्ट्रेशन, आईसी वगैरह सब मेरे पास है एक्चुअली, लेकिन 2020 में क्या हुआ था, मैंने इंपोर्ट किया था. अभी मुझे एक्सपोर्ट के लिए जब मैं रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ आइस गेट पे तो वो बोल रहे कि ऑलरेडी रजिस्टर हो, जो कि मेरे पास अभी लॉग इन आईडी और पासवर्ड भी मेरे सीएचए के पास नहीं है. वो बोल रहे हैं कि मुझे याद नहीं, क्या पता नहीं, लेकिन वो बोल रहे हैं अभी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, क्या कर सकते हैं हम इस बारे में. मैंने मेल भी किया इस गेट को कि स्क्रीनशॉट भेजा है उनको मैंने, ऐसा मेरा आ रहा है और मेरा जो टोकन नंबर दिया था वो किया, लेकिन उनसे भी रिप्लाई नहीं आ रहा है मुझे. कुछ 15-20 दिन हो गए उसमें चल रहे है मेरा. इसमें आप एक काम करना, मैं ये प्रेजेंटेशन के लास्ट में एक नंबर आपको देने वाला हूँ सब लोगों को, वो नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके बात कर लेना. उसमें हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी और आपका ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम है ये सॉल्व करवा देगी. इट्स नॉट अ बिग इशू, इट्स अ स्मॉल टेक्निकल ग्लिच. और कोई पॉइंट है किसी का? एनीवन? हेलो सर, गुड इवनिंग. यस सर, एक्चुअली हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग सप्लायर सर. टेल मी. तो सर फॉर एग्जांपल लाइक बायर का रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल समझो लाइक ऑर्गेनिक का चिल्ली पाउडर ने मांगा सर, तो उसके बाद लाइक तो बायर अपने को ऑर्गेनिक बोल के पूरा सर्टिफिकेट से पूरा बता दिया एंड लैब टेस्ट में लाइक सैंपल पीस में भी ऑर्गेनिक बोल के बायर को प्रूव हुआ, बट आफ्टर बड़ा कंसाइनमेंट जाने के बाद वो ऑर्गेनिक नहीं है बोल के उसमें लैब टेस्ट में लाइक उनको पता चला तो लाइक तो उससे क्या इश्यूज हो सकता सर? नहीं, आपने लैब टेस्ट कहाँ से करवाया था, किससे करवाया था? मतलब बाद में सेकंड टेस्ट में लाइक सप्लायर ऑर्गेनिक बोल के नॉन ऑर्गेनिक भेज दिया तो अपने को वो ट्रस्ट करके अपन अगर आप मटेरियल ही गलत भेजोगे ना तो वो तो पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर आप सही मटेरियल भेज रहे हो, सेम सैंपल वाला मटेरियल भेज रहे हो. हम लोगों की गलती, हम लोग क्या करते हैं इंडियंस की खास, कि हम लोग सैंपल दिखाते हैं उनको यूरोप वाला और माल भेजते हैं बांग्लादेश वाला, तो वो नहीं चलेगा. हमें जो सैंपल दिखाया है हमने वही सैंपल उनको, वही माल उनको जाना चाहिए. ओके ओके सर.
And sir, one more thing. For example, a sub quantity or a material pura acha hai. और लाइक वो एक्सपोर्ट होने के बाद लाइक बायर ऐसा लेके जाओ बोले तो लाइक उसका क्यों बोल सकता सर मुझे आपका कंटेनर नको आपका प्रोडक्ट नको चार्ज लेंगे मतलब एक्सपोर्ट होने के बाद ऐसा बोले तो कैसा एक्चुअली मैं केस सुना था एक पर्सन के पास देखो ये जो सुनी हुई चीज है ना उसपे अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे बहुत सारी चीजें होती है लेकिन अगर सही तरीके से काम कर रहे हो सही पेमेंट टर्म्स फॉलो कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी और सही पेमेंट टर्म्स नहीं है कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है अगर ट्रेड का तो प्रॉब्लम आएगी okay. कोई भी ट्रेड है नॉट ओनली इंटरनेशनल ट्रेड इवन डोमेस्टिक ट्रेड भी अगर आप कोई कर रहे हो किसी के साथ लेना देना कर रहे हो अगर सही तरीके से सारी ट्रेडिंग कर रहे हो आप सही तरीके से आपकी टर्म्स है क्लियर है एग्रीमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ओके जो लोग सही तरीके से डील नहीं करते उनको डोमेस्टिक में भी प्रॉब्लम आती है तो इट इज ऑल अबाउट हाउ यू डील विद द पीपल व्हाट आर द पेमेंट टर्म्स व्हाट आर द क्लैरिटी ऑन द टर्म्स यू आर डीलिंग विद What kind of party you are dealing with, ये सब चीजों पर depend करता है। Okay sir, okay sir. International trade कोई एक कोई different trade नहीं है, कोई बहुत बड़ा कोई rocket science नहीं है, वो normal trade ही है। बस वो borders के बाहर है जो आपका buyer है, इतना फर्क है। और border के बाहर है, दूसरे country में उसका border है, तो वहाँ के norms अलग है, सीधी सी बात है। लेकिन trade जो है, व्यापार जो है, उसके rule same होते हैं। अगर आप उसको okay. कुछ फायदा करा रहे हो, तो वो आपका नुकसान नहीं कराएगा। Okay, sir. सही लोगों से ट्रेड करना सही टर्म्स पे ट्रेड करना that is the only requirement. वो लोगों को नहीं पता होता तो वहाँ पे दिक्कतें आती हैं। Okay, sir. Thank you. तन्वी जी ने बताया कि भाई वो टर्म्स लगा रहे हैं कि बीएल सेंडर पे आपको पेमेंट डालेंगे बीएल सेंडर कर दिया फिर भी पेमेंट नहीं डालेगा तो क्या कर लोगे तो ये सब चीजों को कैसे सॉल्व करना कैसे इनको हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं हमें पता है मार्केट के सब प्लस माइनस तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ या मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ एक्चुअली बट मैं एक बिजनेसमैन हूँ जो हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में एक्सपोजर लेके बहुत सारा काम कर रहे हैं बहुत सारे कंट्रीज में हम लोग कर रहे हैं अनियन में हमने बहुत सारा काम किया क्योंकि अनियन ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरे एशिया में सबसे ज्यादा फेमस है और इंडिया का जो अनियन है वो बहुत सारे कंट्रीज में जाता है तो हमारी मास्टरी है अनियन में हम लोग इंडिया में भी डील करते हैं दुबई में भी डील करते हैं ओमान कतार बहरीन में डील करते हैं मलेशिया में डील करते हैं इवन वियतनाम वगैरह भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी श्रीलंका में हमने बहुत किया है अभी बंद है कंडीशन वहां की खराब है बांग्लादेश में हमने काफी किया है वहां भी प्रॉब्लम सेम है तो बहुत सारी डीलिंग हम लोगों ने की है पेरिशेबल में ग्रीन चिली मैश मेलन और वाटरमेलन लाइम जितनी भी चीजें होती हैं ये जो हाईली पेरिशेबल है उसमें हमने बहुत सारा काम किया है अभी भी कर रहे हैं तो इसके जो एक्सपीरियंस है इसके जो सारे पॉइंट है जहां पे गलतियां होती है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ अगले आधे पौने घंटे में मैं आपको पूरा इंडस्ट्री का क्रक्स देने वाला हूँ आप समझ जाइए और फिर आगे से कैसे काम करना है आपको सब आइडिया लग जाएगा तो अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आता हूं अपने आज के मेन टॉपिक पे जो एजेंडा हम डिस्कस करने वाले हैं एक घंटे में वो ये है कि पेरिशेबल का एक्सपोर्ट कैसे करना है गल्फ कंट्रीज में क्योंकि गल्फ कंट्री में ही एक्सेस है बाकी एशिया में आप देखो जितने भी कंट्रीज है उनमें उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वहां पे जैसे श्रीलंका है वो पूरा बंद हो गया अभी बांग्लादेश है वहां पे एलसी सिस्टम है तो पेरिशेबल में एलसी चलती नहीं है तो सारा जो अपना गल्फ कंट्री है वो सारा ओपन है इसके लिए उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आए हुए मुझे चैट में कि कंपनी कैसे बनानी है सेटअप क्या क्या करना है तो वो मैंने क्वेश्चन कवर किया है एयर शिपमेंट के थ्रू भी बहुत सारा पेरिशेबल होता है उसपे भी कुछ पॉइंट मुझे बताना है आपको एक्सपोर्ट फंडिंग की कुछ रिक्वायरमेंट है कुछ चैट में लिखा है जैसे एक क्वेश्चन भी किसी ने पूछा कि फंडिंग का मुझे जो पहला क्वेश्चन था वो फंडिंग पे ही था तो इस पे भी मुझे कुछ पॉइंट आपको देने हैं फिर हाउ टू डू क्रॉस कंट्री ट्रेड जब हम इंडिया में बैठे हैं तो हम इंडिया की ही बात करते हैं ऐसा जरूरी नहीं है हम इंडिया में अगर बैठे हैं तो हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी मटेरियल भेज सकते हैं आप इंडिया में बैठ के दुबई में चाइना से मटेरियल मंगा सकते हो अब इंडिया में बैठ के मलेशिया से चाइना एक्सपोर्ट कर सकते हो तो ये क्रॉस कंट्री जो ट्रेड होता है ये भी पॉसिबल है अगर आपको सही तरीके बताए तो और ये पेरिशेबल में काफी होता है हाउ टू अवॉइड फ्रॉड एंड डू 100% सेफ एक्सपोर्ट अब इसमें कहां कहां पे लोगों से गलतियां होती हैं कहां कहां पे फ्रॉड के चांस होते हैं वो फ्रॉड हमारे साथ ना हो वो सब चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और उसके बाद अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो हम लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हो सेफ्टी के साथ तो वो भी मैं आपको कुछ हिंट दूंगा कि कैसे आप हमारे साथ भी कनेक्ट हो सकते हो तो ये आज का एजेंडा है जो मैं आपको कवर करने वाला हूँ अभी अगले आधे पौने घंटे में
सबसे पहले आते हैं पेरिशेबल जो है आइटम है, जिसमें मेन आ गया फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, और इसमें भी जो मेन आइटम है वो है अनियन, पोटैटो, ग्रीन चिली, लेमन, सूरन, उसके बाद बहुत सारे फ्रूट्स और भी है, चीकू है, पपीता है, ये सारी चीजें यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। ये नॉन पेरिशेबल भी है, राइस है, येलो मेज है, ग्रीन मिलेट है, मैदा है, ये सब चीजों का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है गल्फ कंट्रीज में, और ये नॉन पेरिशेबल है। लेकिन आज हम नॉन पेरिशेबल कवर नहीं करते, वो हम नेक्स्ट सेशन में कभी कवर करेंगे, आज हम पेरिशेबल की बात डिटेल में करते हैं, नहीं तो सेशन बहुत लंबा चला जाएगा। सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमें रिक्वायरमेंट समझनी है कि सबसे पहले हमारी एक फर्म रेडी होनी चाहिए कोई भी, उसका GST, उसका IEC, उसका RCMC, उसका पोर्ट पर रजिस्ट्रेशन, ये सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये सब अगर आपका रेडी है तो आपका बेसिक सेटअप रेडी है, और आपको कुछ नहीं चाहिए। लोग डरते हैं कि बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर ये हो गया तो सफिशियंट है। फिर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट की लाइन होनी चाहिए, जो प्रोडक्ट आपके दिमाग में है वो आपको कैसे करना है, वो सोर्सिंग कहाँ से होगी, सप्लाई कहाँ से होगा, उसकी क्वालिटी क्या चाहिए, प्राइस क्या चल रहा है, ये बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, बाकी तो मार्केट आपको सब सिखा देगा। उसके बाद आपके पास एक करेक्ट होना चाहिए कि भाई ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, क्लियरिंग कैसे होगा, शिपिंग कैसे होगा, CHA कौन होगा, तो क्लियरिंग वगैरह कौन करेगा। ठीक है, मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इसलिए बोलता हूँ कि ये एक नेटवर्क का धंधा है, आपके पास एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए। ये अकेले का बिजनेस नहीं है कि आप अपनी दुकान पे बैठ जाओ, ग्राहक आएगा, काम खत्म हो गया। इसमें आपको CHA चाहिए क्लियरिंग के लिए, इसमें आपको सप्लायर चाहिए माल सप्लाई करने के लिए, इसमें आपको बायर चाहिए जो आपसे परचेस करेगा। तो बायर शुड बी जेन्युइन, सेफ ट्रेड करने वाला हो, और मनी की सेफ्टी आपकी होनी चाहिए। उसके लिए उसका प्रोफाइल चेक करना, उसकी कंपनी चेक करना, उसका रिकॉर्ड चेक करना, उसके रेफरेंस चेक करना, कितने साल से काम कर रहा है। अगर कोई बायर बैठा है और 3 साल से 4 साल से 5 साल से काम कर रहा है मार्केट में, मतलब वो सेफ है, वहां पे सेफ्टी वाले ट्रेड है, उससे कुछ क्लाइंट के रेफरेंस आपको मिल जाएंगे। अचानक से कोई बायर आता है, अचानक से आपको कोई मेल भेज दिया, डील भेज दिया, और आप एक्साइटेड हो गए, भाई चेक तो करो वो कितने साल से काम कर रहा है, कितने लोग हैं जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसको पूछो कितने लोग, कितने एक्सपोर्टर को वो जानता है, उन एक्सपोर्टर के नंबर मांगो उससे, देगा ही नहीं अगर वो जेन्युइन नहीं होगा तो, और देगा तो उनसे बात करके देख लो एक बार, तो वहीं पे 90% क्लैरिटी आ जाएगी आपको। फिर आपको टीम चाहिए, आपको सेटअप चाहिए, जहां पे भी आप कर रहे हो, अगर गल्फ कंट्री की बात कर रहे हैं हम, तो गल्फ कंट्री में आपको आपका सेटअप होना चाहिए। सेटअप बेसिक सेटअप क्या चाहिए कि वहां पे कम से कम आपका एक बंदा होना चाहिए जो वहां के बायर से कॉन्टेक्ट में रहे, आपका माल बायर को चला गया तो वहां से पेमेंट वगैरह निकाल के सेफली ट्रांसफर करे, क्योंकि बायर इतने सीधे नहीं होते, जो कोई जेन्युइन बायर भी हो वो इतने सीधे नहीं होते कि आपका माल पहुंच गया और वो टाइम पे आपको पैसा दे देगा, वो लोग आगे पीछे जरूर करते हैं, डिले जरूर होता है सब चीजों में। तो आपका एक टीम मेंबर सब जगह पर होना चाहिए, जहां पे भी आप ट्रेड कर रहे हो, आप मलेशिया में भेज रहे हो तो मलेशिया एक बंदा रखो अपना, आप दुबई भी भेज रहे हो एक बंदा दुबई में रखो अपना, उसका काम क्या रहेगा, फॉलो अप करके टाइमली पेमेंट निकालना, सेफ बायर है तो भी। तो इतना बेसिक तैयारी आपको करनी पड़ेगी। और अगर बड़ा काम करना है आपको, आपका कंटेनर का ही काम 20-25 कंटेनर का महीने का काम है, तो सबसे बढ़िया है कि अपनी कंपनी बनाओ खुद की, दुबई में या मलेशिया में या जहां पे भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, वियतनाम में कर रहे हो तो वियतनाम में बनाओ, जहां पे भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और आपका वॉल्यूम ज्यादा है वहां पे आपकी कंपनी होनी चाहिए। जहां पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो आपका वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, अगर आप 2-4 कंटेनर करते हो मंथली, तो उतने में आपकी कंपनी बनाने का फायदा नहीं है। तो वहां पे आपका एक टीम मेंबर या वहां पे एक भरोसे का आपका साथी होना चाहिए, कोई आपका रिलेटिव भी हो सकता है, कोई आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, आपका कोई टीम मेंबर एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है, वो जरूरी है। वो वहां पे रहेगा, उसका प्रेजेंस रहेगा, तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। अब इंडिया की क्या रिक्वायरमेंट है, एक्सपोर्ट कंपनी अगर सेटअप कर दी हो इंडिया में, उसके लिए क्या चाहिए होता है, क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या रिक्वायरमेंट है। तो बेसिक डॉक्यूमेंट आपका KYC चाहिए इंडिया में, तो आपकी प्राइवेट कंपनी बनानी है वो बन सकती है, आपकी फर्म बनानी है वो बन सकती है, आपकी LLP बनानी है वो बन सकती है। ठीक है, उसमें आपको बेसिक डॉक्यूमेंटेशन पता है, KYC लगेगा। इन्वेस्टमेंट कितना आएगा इंडिया में, तो हार्डली 20-25 हजार रुपए में आपका सारा काम हो जाता है। 25,000 रुपीज में आपकी कंपनी, फर्म, उसके सारे लाइसेंस वगैरह वो सब निकल जाते हैं बेसिक, और बाकी सब तैयारी इसमें हो जाती है आपकी। कंपनी बनाने के रेट बता दो, क्योंकि 20,000 का CA लेता है कंपनी बनाने का, और 5,000 ऊपर और पकड़ लो, उसमें बाकी सारे बेसिक चीजें आ गई। फिर उसके बाद
आपको बाकी सब क्या करना है, उसका लाइसेंस निकालना है, आरसीएमसी निकालना है, उसका पोर्ट पर रजिस्ट्रेशन होगा, तो ये सब का भी खर्चा 10-10, 15-15 हज़ार का खर्चा है। तो ये सब करते करते आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो पहुंच जाएगा 60-70 हज़ार रुपए के आसपास। कंपनी भी बन गई, फर्म भी बन गई आपकी, जीएसटी भी निकल गया, सारे डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गए, आरसीएमसी आ गया, पोर्ट पर रजिस्टर हो गया, ये सब करने में आपका 50-60-70 हज़ार रुपए में सब सब काम हो जाएगा, ए टू जेड। जब आप कहोगे ज्यादा है, जिनको लग रहा है अगर ये ज्यादा, तो मैं आपको बता दूं, कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस, कोई भी दुकान आजकल 10 लाख से कम में कुछ होता नहीं है। एक पानी पूरी की लॉरी भी निकल लगाने जाओगे तो भी 5 लाख रुपया चाहिए, एक चाय की किटली भी खोलोगे तो भी 4-5 लाख रुपया चाहिए। तो ये इंटरनेशनल बिजनेस है, वो आप सेटअप कर रहे हो, जिंदगी में एक ही बार सेटअप करना है, तो एक बार में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और कितना इन्वेस्टमेंट है, 60-70-80 हज़ार का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आएगा, सब कुछ हो जाएगा उसमें। आपकी वेबसाइट भी बन जाएगी, आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल भी बन जाएगा, आपकी कंपनी भी बन जाएगी, सारे लाइसेंस भी आ जाएंगे, वो सब सेटअप हो जाएगा 1 लाख के अंदर अंदर। फिर भी सस्ता है, क्योंकि यही सारा काम जब आप दुबई में करवाने जाओगे तो कम से कम 7-8 लाख रुपए का खर्चा है दुबई में, इंडियन रुपीज में 7-8 लाख रुपए का खर्चा है दुबई में एक कंपनी बनाने का और उसका पूरा सेटअप करने का, सारे लाइसेंस वगैरह निकालने का, वीजा वगैरह सब कुछ निकालने का 7-8 लाख रुपए का खर्चा है। उसके अगेंस्ट इंडिया में सिर्फ 1 लाख रुपए के अंदर अंदर सारा काम हो जाएगा ए टू जेड। यही खर्चा दूसरे कंट्री की बात करूं तो वियतनाम में करीब 70-80 थाउजेंड रुपीज का खर्चा है इंडियन रुपीज में। यही खर्चा अगर कंपनी बनाने का आप देखोगे मलेशिया में तो 50-60 हज़ार रुपए का खर्चा है इंडियन रुपीज में, और श्रीलंका में 20-25 हज़ार रुपए का खर्चा है, बांग्लादेश में भी 20-25 हज़ार का खर्चा है। तो मल्टीपल कंट्रीज में आप अपनी कंपनी बना सकते हो, ये सब खर्चे इस तरह से है। अब आगे चलते हैं, एक्सपोर्ट शिपमेंट कैसे होती है पहले हम वो समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मुझे आए हुए थे एक्सपोर्ट शिपमेंट वाले भी। एक्सपोर्ट शिपमेंट में सबसे पहले आपको चेक ये करना होता है कि एयर का क्या रेट चल रहा है। पेरिशेबल में एयर में आता क्या है, मेनली वो आइटम आते हैं जो सुबह आएंगे, सुबह वहां से निकलेंगे पैकिंग होके और यहाँ पे शाम तक आ जाएंगे रात तक, और नेक्स्ट डे वो सेल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट डे शाम तक तो सब जगह पे पहुंच के वो कंज्यूमर के हाथ में चले जाते हैं, उसका 24 आवर्स का साइकिल होता है पैकिंग होने के बाद। यानी 2 दिन के अंदर माल खेत में से निकलने के बाद, फार्मर के हाथ से निकलने के बाद 48 आवर्स के अंदर वो कस्टमर के हाथ में पहुंच जाता है दूसरे कंट्री में। तो ये हाईली पेरिशेबल आइटम होते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें बीन्स होते हैं, इसमें करेला होता है, इसमें आंवला होता है, इसमें चीकू होता है, इसमें पपाया होता है, इसमें कच्चा कैरी जो होता है मैंगो वो होता है, इसमें कई तरह की जो बीन्स आती हैं वो होती है, इसमें कई बार कैप्सिकम भी होता है, ठीक है। तो ये सारे आइटम इस, और सबसे बड़ी चीज इसमें जो भिंडी होती है, भिंडी सबसे ज्यादा एयर से एक्सपोर्ट होती है, तो भिंडी का जो मेन एक्सपोर्ट है वो उससे होता है, इसके अलावा डोमेस्टिक एक्सपोर्ट होता है। तो ये सारे 10-12 आइटम है जो मेन हॉट आइटम है शिपमेंट के, तो 500 आइटम है, लेकिन जो टॉप 10 आइटम की अगर आप बात करो तो वही आइटम है। तो भिंडी हो गया, करेला हो गया, बीन्स हो गया, आंवला हो गया, पपाया हो गया, चीकू हो गया, शिमला मिर्च हो गया, कैप्सिकम, तो ये सारे आइटम एक्सपोर्ट होते हैं। इसके अलावा मीट भी एक्सपोर्ट होता है कई तरीके का, फिश एक्सपोर्ट होती है कई तरीके की, वो भी हाईली पेरिशेबल होती है। ये सारे आइटम एयर शिपमेंट से आते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक सप्लायर चाहिए बढ़िया, जो आइटम आपको एक्सपोर्ट करना है उसका एक अच्छा सप्लायर आपके पास होना चाहिए, जो क्वालिटी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने में हेल्प करेगा आपको और अच्छे प्राइस पे आपको माल देगा, एक सप्लायर हो गया। दूसरा आपको एक चाहिए CHA, जो एयर का CHA होगा वो आपकी हेल्प करेगा माल को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बाई एयर ट्रांसफर करने में, वो आपको रेट देगा। मेनली जो एक्सपोर्ट होता है एयर शिपमेंट से, वो कहाँ से होता है, साउथ इंडिया से होता है, चेन्नई से, कोची से, त्रिची से, तिरुवनंतपुरम से, ये सब कंट्री, ये सब स्टेट से होता है, ये सब सिटीज से होता है। रीजन क्या है, वहां के जो एयर शिपमेंट के रेट्स हैं वो कम है, मुंबई का रेट ज्यादा है, दिल्ली का रेट ज्यादा है, अहमदाबाद का रेट ज्यादा है, यहाँ से बहुत मुश्किल आती है एक्सपोर्ट करने में, तो वहां के रेट कम होते हैं तो वहां से एक्सपोर्ट ज्यादा होता है और वहां की वेजिटेबल्स की क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो जितने भी साउथ वाले सिटीज हैं, जितने भी क्लाइंट आप लोग में से जितने भी साउथ से हैं जो लोग, वो एयर शिपमेंट को टारगेट कर सकते हैं। एयर शिपमेंट का फायदा क्या है कि 1-2 टन माल से आप एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, भाई सी एक्सपोर्ट होता है कम से कम 40-25 टन से एक्सपोर्ट होता है स्टार्ट,
तो 25 टन का मिनिमम एक्सपोर्ट होता है बाई सी एयर जब आप जाते हो, तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होता है, रिस्क भी ज्यादा होता है। बाई एयर जब आप जाते हो तो एक टन से भी स्टार्ट होता है, एक टन दो टन सब्जी से आप स्टार्ट कर सकते हो वेजिटेबल से, तो वो आपका प्लस पॉइंट है कि एयर शिपमेंट में आप स्मॉल स्टार्ट कर सकते हो अगर आप साउथ से हो। आपके पास अच्छा सप्लायर होना चाहिए, आपके पास अच्छा सीएचए होना चाहिए, यहाँ पे मटेरियल के जिसको आप भेजोगे वो एक कंपनी आपके पास होनी चाहिए जो कंपनी आपका मटेरियल बाय करेगी। तो बाय द वे आपके केस में मैं बता दूं कि हम लोग दुबई बेस है, हमारा कंपनी सेटअप ऑफिस सब कुछ दुबई में है, तो आप कभी भी हमें कोई भी शिपमेंट चाहे वो एयर का हो चाहे वो सी का हो आप हमें कभी भी दुबई में भेज सकते हैं। और हमारा पूरा प्रोफाइल चेक कर लीजिए, हमारा पूरा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, आज तक एक पैसे का किसी का ना कोई रिस्क हुआ है ना किसी का पेमेंट का डिफॉल्ट हुआ है, क्योंकि हम भी आगे बहुत सारे हमारे सुपरमार्केट है जहाँ पे हमारे माल जाते हैं। वेस्ट जोन यहाँ का बहुत बड़ा सुपरमार्केट है, अल मदीना यहाँ का बहुत बड़ा सुपरमार्केट है, दो सुपरमार्केट से हमारी चेन से हमारी टाई अप है यहाँ पे। तो हमारा सारा अनियन, हमारा सारा वेजिटेबल्स इनको ट्रांसफर होता है। तो हम एक यहाँ के वन ऑफ द बिगेस्ट बायर है टुडे इन दुबई, तो जो लोग बायर ढूंढ रहे होते हैं दुबई में, सेफ ट्रेड ढूंढ रहे होते हैं, तो उनके लिए हम लोग हाजिर हैं, हम आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फंडिंग के बारे में, कुछ लोगों ने फंडिंग के बारे में बात की। देखो कड़वी सच्चाई ये है दोस्तों कि अगर आप स्टार्टअप हो, स्टार्ट कर रहे हो, पहले कभी एक्सपोर्ट नहीं किया है, आपकी एक्सपोर्ट की बुक अभी नहीं बनी है, आपके एक्सपोर्ट के ट्रेड नहीं हुए ज्यादा, तो आपको बैंक एंटरटेन नहीं करेगा, बैंक आपको एंटरटेन नहीं करेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग फंडिंग कहां से आएगी आपके पास? स्टार्टिंग फंडिंग आपको खुद ही अरेंज करनी है। आप मटेरियल क्रेडिट पे ले सकते हो, तो एक तरह से फंडिंग आपको मटेरियल सप्लायर ने, ठीक है। तानिया ये जरा म्यूट करते रहो, बीच में जो अनम्यूट हो रहे हैं लोग गलती से। तो फंडिंग आपको स्टार्टिंग में खुद ही अरेंज करनी है, वो आपका सप्लायर से हेल्प मिल सकती है, आपके सीएचए से हेल्प मिल सकती है, ठीक है, फैमिली फ्रेंड से लोग अरेंज करते हैं स्टार्टिंग में, तो वहां से आप कर सकते हो स्टार्टिंग में। जब आपके एक्सपोर्ट के कुछ बुक्स रेडी हो जाते हैं, आपके कुछ ट्रेड रेडी हो जाते हैं, उसके बाद में आप बड़े आराम से फंडिंग के लिए गवर्नमेंट फंडिंग ले सकते हो, बैंक फंडिंग आपको मिल सकती है। आप अपना बैलेंस शीट दिखा के, अपना स्टेटमेंट दिखा के आपको फंडिंग को सामने से ऑफर करते हैं। जैसे हमारा अकाउंट है तो हमें सामने से ऑफर आती है अभी कि भाई आपको हम लोग ये रेट पे फंडिंग अवेलेबल है, 2 CR की, 2.5 CR की, 3 CR की फंडिंग अवेलेबल है, आप जितना चाहे यूटिलाइज कर सकते हो। जब आप यूटिलाइज करोगे तभी चार्ज लगेगा, नहीं तो लगेगा ही नहीं। तो हमारे पास ओपन फंडिंग पड़ी अभी बैंक की, लेकिन हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फंडिंग एक बार आपका ट्रेड चालू हो जाता है, ट्रेड की एक्टिविटी चालू हो जाती है, 3-4 महीने की भी एक्टिविटी चलेगी अगर उसमें रेगुलर ट्रेड हो रहा है, पैसा आ रहा है बाहर से, फॉरेक्स आ रहा है, तो बैंक उसको ऑनर करता है फिर। तो फंडिंग के लिए ये आप क्लियर समझ लो कि स्टार्टिंग में आपको स्टार्ट करना है, अरेंजमेंट करना है। जब आपका थोड़ा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, डोंट वरी, फिर आप स्केल अप कर सकते हो, बैंक फंडिंग लेके ज्यादा काम कर सकते हो। खुद की कैपेसिटी एक कंटेनर करने की है, तो बैंक अगर सपोर्ट कर रहा है तो आप 2 कंटेनर भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो। तो एक ही जगह पे 4 कंटेनर जाएंगे तो वॉल्यूम 4 गुना हो गया, ये आपको बेनिफिट है। हाउ टू डू क्रॉस कंट्री ट्रेड, ये कुछ क्वेश्चन आए हुए थे कुछ लोगों के कि सर मुझे इंक्वायरी है चाइना से, कि चाइना से मैं आपको गार्लिक जिंजर मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। अब चाइना से गार्लिक जिंजर इंडिया में तो नहीं आता है डायरेक्टली, उसके रीजन कई सारे हैं। पहला रीजन ये कि इंडिया खुद बहुत सारा गार्लिक और जिंजर प्रोड्यूस करता है और वो इंडिया में कंज्यूम होता है। जो दूसरा रीजन है, जो मेन रीजन है, वो ये है कि चाइना का जो जिंजर गार्लिक है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इंडिया की बहुत कम है। तो इंडिया की जो कॉस्ट अगर मैं आपको बताऊं, पर बैग कॉस्ट जो दुबई में चलती है जिंजर गार्लिक की, वो 5-6 दिराम पर बैग चलती है, 4 किलो का बैग होता है, 5-6 दिराम से लेके 7-8 दिराम तक पर बैग चलती है इंडिया की कॉस्ट। चाइना की जो कॉस्ट है वही, वो कितनी चलती है, 15-16 दिराम से लेके 18-20 दिराम तक पर बैग 4 किलो का। तो इंडिया की और चाइना की कॉस्ट में 3-4 गुने का फर्क है। अब आप कहोगे फर्क क्यों है, ये मटेरियल तो सेम है, जिंजर गार्लिक तो सेम ही होता है, टेस्ट भी सेम है, उसकी क्वालिटी थोड़ी बेटर होती है, बेटर इन द सेंस कि वो बड़ा होता है साइज में। इंडिया का जो जिंजर है, इंडिया का जो गार्लिक है, उसकी कली छोटी होती है, उसका साइज छोटा होता है, उसका जो साइज है चाइना का वो बड़ा होता है। उनका सॉइल अलग है, उनका कुछ टेक्नोलॉजी अलग है, आई डोंट नो व्हाट, बट उनका साइज बड़ा होता है। जितना हमारा लहसुन का एक पूरी गांठ होती है, उतना उनका पूरा एक कली होती है, तो वो बहुत बड़े साइज का लहसुन होता है।
और दुबई में जो भी चीजें आती हैं, जो अच्छी क्वालिटी की चीजें आती हैं जिनमें लेबर कम लगता है, उनकी कॉस्ट ज्यादा होती है। तो उस जिंजर गार्लिक को प्रोसेस करने में जो लेबर लगेगी चाइना वाले को और जो इंडिया वाले में लगेगी, वो लेबर का बहुत बड़ा फर्क है। तो उसकी वजह से उसकी कॉस्टिंग ज्यादा मिलती है हमें। तो इंडिया का जो ट्रेड है, इंडिया से जो जिंजर गार्लिक है वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं होता है इसलिए दुबई में। दुबई में जो एक्सपोर्ट होता है वो चाइना से होता है। तो आप अगर इंडिया में बैठे हो, लेकिन आप इंडिया में बैठ के चाइना से जिंजर गार्लिक दुबई में इंपोर्ट कर सकते हो और दुबई में सेल कर सकते हो, जो हम लोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, चाइना से हम लोग कंटेनर मंगाते हैं जिंजर के गार्लिक के और दुबई में सेल करते हैं। अब इसमें इंडिया कहीं बीच में ही नहीं आता है। तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस कंट्री ट्रेड। ये बहुत सारे लोग कर सकते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आपको लगता है आप इंडिया से हो तो आपको इंडिया की चीजें ही करनी है, जबकि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक ऐसा धंधा है कि एक बार आपको इस पर ग्रिप आ गई, आपने दो चार ट्रेड कर लिए, अब आप स्वतंत्र हो कोई भी ट्रेड किसी भी कंट्री से किसी भी कंट्री में करने के लिए, चाहे वो इंडिया से करो या नहीं करो, वो कोई जरूरी नहीं है। तो जहां ज्यादा बेनिफिट मिलता है, जहां पे ज्यादा आपको कंफर्टेबल रहता है, वहां पे आप कर सकते हो। कुछ और टॉपिक है जो मुझे डिस्कस करने हैं। अब एक मेन टॉपिक है आज का जो हम कवर कर लेते हैं कि हाउ टू अवॉइड फ्रॉड एंड डू 100% सेफ एक्सपोर्ट। फ्रॉड पे तो लोग गलत फहमी क्या रहती है कि फ्रॉड लोग सोचते हैं कि भी जो बायर है ना वहीं पे फ्रॉड होता है खाली। आप सुन के सरप्राइज हो जाओगे, बायर के एंड पे जो फ्रॉड होते हैं ना वो तो सिर्फ 10% है। 90% जो फ्रॉड होते हैं वो बाकी पूरी चेन में होते हैं, बाकी सब जगह पे होते हैं। और स्टार्टिंग कहां से होती है, सप्लाई से। जब आप सप्लायर के पास जाते हो सबसे पहला फ्रॉड वहां पे होता है। वो आपको माल कुछ दिखाता है, भेजता कुछ और है, पैसे आपसे कुछ और रेट के लेता है। तो आपको माल दिखाएगा, फॉर एग्जाम्पल 55 वाला अगर ओनियन की बात कर रहे हैं तो 55 का माल दिखाएगा, क्वालिटी बहुत बढ़िया वाली दिखाएगा, जिसका एक्चुअल रेट मार्केट में 15 रुपए चल रहा होगा फॉर एग्जाम्पल पर केजी, ठीक है। वो 15 वाला माल आपको दिखा के पैसा 15 का लेगा और आपको माल कौन सा भरेगा, 12 वाला, 13 वाला, 14 वाला। अब एक कंटेनर में अगर उसने 1 रुपए का भी माल का चेंज कर दिया, 30,000 रुपए का फर्क पड़ता है, क्योंकि 30,000 किलो माल आता है कंटेनर में। 2 रुपए वाला माल भी इसने डाउन कर दिया तो 60,000 रुपए तो उसको वहीं पे मिल गए। और ये फ्रॉड बहुत होता है, हमारे साथ भी हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो हमेशा सप्लायर वेरीफाइड होना चाहिए। हमारे क्लाइंट जितने भी हमारे साथ ट्रेड करते हैं, हमारा जो काम है, मैं आपको थोड़ा अपना प्रोफाइल बताऊंगा बाद में, मैं लास्ट में 5 मिनट में, कि हमारा जो प्रोफाइल है वो ये कि हम क्लाइंट को सपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करने में। और हम लोग ध्यान रखते हैं हर जगह पे कि आपके साथ फ्रॉड ना हो, सप्लायर के एंड पे भी फ्रॉड ना हो। वो कैसे नहीं होगा, हम आपको वेरीफाइड सप्लायर दे देंगे कि भाई ये 4-5 लोग हैं, ये वेरीफाइड है, इनसे हमारे एग्रीमेंट है सबसे, और इनका किसी का भी माल खराब नहीं आएगा। जो आप माल बोलोगे, बुकिंग बोलोगे, वही माल मिलेगा, वो गारंटी हमारी रहती है। तो आपकी सेफ्टी हो गई, जो नए लोग फंस जाते हैं वो आप बच गए, आपका हर कंट्री में जो 30-40 हजार का 50 हजार का नुकसान होता है वो बच गया आपका। तो यहाँ पे एक पहला फ्रॉड होता है, तो ये ध्यान रखना पहला फ्रॉड कहाँ पे होता है, सप्लायर के एंड पे। दूसरा फ्रॉड कहाँ पे होता है, वो फ्रॉड होता है आपका CHA के एंड पे। जो क्लियरिंग वाले हैं, जो जब देखते हैं कि नए लोग आ रहे हैं, उनको पता है नए लोग आ रहे हैं टिकेंगे नहीं मार्केट में ज्यादा, एक बार दो बार शिपमेंट करना है फिर भाग जाना है, तो वो दबा के वो लोग कॉस्ट लगाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगनी होगी 15,000, वो लगाएंगे 18,000। टोटल जो बिल बनेगा, अगर 3 लाख का बन रहा है, वो 3 लाख वाला बिल बाकी जो उनके रेगुलर क्लाइंट है उनका बनता है 280 का। तो 15-15, 20-20, 25-25 हजार रुपए वो एक एक कंटेनर में नए लोगों से वसूलते हैं। तो अगेन एक कंटेनर में अगर 20-25 हजार रुपए का फर्क पड़ गया तो आपको तो वहीं पे आपका कॉस्टिंग बढ़ गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारा कई बार लॉस होता है मार्केट में, ऑनियन किया, एक्सपोर्ट किया, वहां पे मार्केट में प्राइस नीचे था दुबई में जो सेल हुआ, कॉस्टिंग ज्यादा थी, प्राइस नीचे था तो लॉस हो गया। अरे लॉस तो हो गई, सप्लायर अपना पैसा निकाल रहा है एक्स्ट्रा, CHA अपना पैसा निकाल के चल रहा है एक्स्ट्रा, अभी तो कॉस्टिंग उन्होंने यहाँ पे 2 रुपए तो ऐसी बढ़ा दी आपकी, तो वहां तो आपका माल ऊपर ही जाने वाला है, तो वहां पे लॉस होने ही वाला है आपका। तो फ्रॉड कहाँ पे हुआ, बायर के एंड पे हुआ कि सप्लायर के एंड पे हुआ, पहले ही हो गया फ्रॉड। तो CHA के एंड पे भी फ्रॉड हो रहा है, हमने उसके लिए भी लोगों को सिस्टम बना के दिया हुआ है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे क्लाइंट है, हमारे मेंबर्स है। हमने क्या दिया हुआ है, ये वेरीफाइड CHAs आपको मिलेंगे, 3-4 लोग हैं, सैकड़ों CHA इंडिया में, सैकड़ों, उसमें से 4-5 लोग हमने फिल्टर करे हुए हैं जिनसे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो आप उनके पास जाओगे, उनका सबका कोटेशन ले लो, जिसका भी रेट सबसे अच्छा आता है उससे काम कर लो, उन सबकी गारंटी हमारी है। तो जो मार्केट में बेस्ट रेट होगा उसी पे काम होगा,
उसमें कोई हिडन कॉस्ट नहीं होगी, कोई हिडन चार्जेस नहीं होंगे जो बाकी नए लोगों को लगा देते हैं वो लोग, पहले कोटेशन भेज दिया फिर बाद में कुछ और चार्ज उनको पेल देते हैं, वो सब नहीं होगा, वहां पर दूसरा फ्रॉड होता है। अब बात आती है तीसरे फ्रॉड की, वो तीसरा फ्रॉड कहां पे होता है, वो होता है जो कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वहां के सीएचए के पास। अभी तो हम बायर पे पहुंचे ही नहीं है, वो बायर बहुत दूर है अभी, अभी तो फ्रॉड में आपको गिना रहा हूं पहले कहां कहां पे होते हैं। जो कंट्री में आप दुबई में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो दुबई का जो सीएचए बैठा है वो वहां पे फ्रॉड होता है। अगेन सेम स्टोरी, अगर नया क्लाइंट है पहली बार कर रहा है दूसरी बार कर रहा है उसको पता है भागने वाला है सॉरी, उससे भी आपको डीलिंग बहुत केयरफुली करना पड़ेगा, नहीं वहां पे भी आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, वो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। ये लोग क्या करते हैं, कंटेनर चला गया, कंटेनर जब खाली होगा उसके बाद भी चार्ज लगाते हैं कि आपका कंटेनर जो जब खाली होके गया तो वहां पे क्वेरी आ गई थी और वहां पे उन्होंने बोला था कि कंटेनर डैमेज है। अब डैमेज का चार्ज कितना लगता है पता है, 3000 दिराम 2000 दिराम कितना हो गया 40,000-50,000 रुपए। क्या कर लोगे आप, देना पड़ेगा, और उसको पता है कि एक दो बार वाला क्लाइंट है, नया क्लाइंट है, तो हर जगह पे रिस्क है, हर जगह पे फ्रॉड होता है, हर जगह पे ध्यान से चलना पड़ेगा। यहाँ पे भी हमने सिस्टम बनाया हुआ है, अगेन यहाँ पे भी हमने 2-3 वेरीफाइड सीएचएस दिए हुए अपने नेटवर्क में कि भाई इनसे काम करो, इनसे हमारा पूरा सिस्टम बना हुआ है, इनकी पूरी स्टेटमेंट की गारंटी हमारी होती है कि कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। फिर उसके बाद आती है बारी बायर की। अब किस बायर को आपने माल दिया मार्केट में, वो बायर आपका अच्छा क्वालिटी वेरीफाइड होना चाहिए। दुबई में हम बायर है जैसे, तो हमारा सिस्टम ये है कि हमारा प्रोफाइल चेक करो, हमारा काम चेक करो, हम 5 साल से अगर काम कर रहे हैं तो 5 साल से आप एक भी केस दिखाओ जहां पे कोई बोले कि इनका 1 रुपया भी बाकी है इनके ऊपर हमारा, एक भी क्लाइंट, ओपन चैलेंज है। तो ऐसा बायर होना चाहिए जो थोक के ये चैलेंज कर दे आपको सबके सामने, जितने लोगों से काम किया उन लोगों का नंबर दे सके आपको कि लोग भी बात कर लो इतने सारे एक्सपर्ट से काम किया है, तो वो प्रोफाइल होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। तो वो बायर क्या करेगा, आपको प्रॉपर डील करेगा, प्रॉपर गाइड करेगा, गलतियां सुधारेगा, कॉस्टिंग कम करवाएगा आपकी, हम ये सब करवाते हैं अपने क्लाइंट के, इसलिए बता रहा हूँ आपको। बायर कभी भी सिर्फ बाइंग में सेलिंग में इंटरेस्ट नहीं रखेगा, वो आपको पूरा गाइड करेगा, उसको पता है कि एक्सपोर्टर को सपोर्ट करेगा तो एक्सपोर्टर लंबा चलेगा, अच्छा काम करेगा, लंबे एक्सपोर्ट करेगा, वो तभी पॉसिबल है। तो उसको सिखाना पड़ता है, एक्सपोर्टर को भी समझाना पड़ता है, उसको ट्रेन करना पड़ता है, उसकी गलतियां सुधारनी पड़ती है, उसकी कॉस्टिंग कम करवानी पड़ती है। हमारे थ्रू जो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं उनका कम से कम 1 लाख रुपए का कॉस्टिंग तो हम कम करवा देते हैं, वो खुद से करने जाएगा तो 8.5 लाख रुपए 9 लाख रुपए का खर्चा आएगा, हमारे थ्रू जाएगा तो 7.5-8 लाख रुपए में उसका पूरा काम हो जाएगा। 1 लाख रुपए तो उसका ऐसे इंडिया में ही कमा लिया उसने, समझ लो, बाकी प्रॉफिट लॉस जो आएगा वो उसका अलग है, 1 लाख रुपए प्रॉफिट में तो वो हमारे साथ वैसे ही आ जाता है। क्या करके, सिर्फ ये चीजों का ध्यान रखें जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ ओपनली, आप सबको ये सब चीजों पर काम करना है। अब बायर के एंड पे क्या रिस्क आता है, बायर के एंड पे अगर बायर जेन्युइन नहीं है तो आपका पेमेंट डिफॉल्ट करेगा, आधा पेमेंट दे देगा आधा नहीं देगा, या पेमेंट बहुत डिले कर देगा, पेमेंट को यूज करता रहेगा, बहाने बनाएगा, माल खराब है, ये सब करेगा, कुछ भी कर सकता है। वो जेन्युइन है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं फिर तो। और आप जो रोज केस सुनते हो कई बार कि ये फ्रॉड हो गया वो फ्रॉड हो गया, वो वहीं पे होते हैं कि बायर को आपने माल भेज दिया, बायर वेरीफाइड नहीं था, या कोई भरोसे का बंदा नहीं था, या प्रोफाइल उसका स्ट्रांग नहीं था। और कई बार क्या होता है, बायर भी फंस जाता है खुद, बायर कई बार फ्रॉड नहीं होता है लेकिन कमजोर होता है। अगर आपने किसी कमजोर बायर के साथ किया, भले वो ईमानदार है, फिर भी आप फंसोगे, ध्यान रखना। तो बायर ना केवल ईमानदार होना चाहिए बल्कि स्ट्रांग भी होना चाहिए, उसका प्रोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत, तो मार्केट में जो अप डाउन है उसमें वो फंसे नहीं। मैंने बहुत सारे केस देखे हैं कि बायर अच्छा था, ईमानदार आदमी था, लेकिन मार्केट के फ्लक्चुएशन में फंस गया, उसका पैसा अटक गया, वो आपका पैसा भी नहीं दे पाएगा। अब आप उसको फ्रॉड बोलो जो बोलो, वो क्या करेगा बेचारा, वो ईमानदार था वो तो। अब उसने जो आगे जिसको माल दिया था, मान लो जिस सुपरमार्केट में माल दिया था, वहां से पैसा ही नहीं आया। ऐसा हमारे साथ कई बार हुआ है, सुपरमार्केट में हमने पैसा दिया, वहां पे उन्होंने बोला माल खराब है, उन्होंने पैसे ही नहीं दिया। लेकिन हमारा प्रोफाइल इतना स्ट्रांग है कि हम आगे पैसा रोकते नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे, हम पहले से मान के ही चलते हैं कि 10 में से 1 बार ऐसा होने वाला है, 20 में से 1 बार ऐसा होने वाला है कि पूरा पेमेंट नहीं आएगा, कोई बात नहीं, वो हमारी कैलकुलेशन में ऑलरेडी। तो ये सारी चीजें, ये सारी गलतियां, ये सारे इश्यूज, ये सारे फ्रॉड पे अपने को काम करना है। गलत फहमी दिमाग से निकाल दो कि बायर के एंड पे ही खाली फ्रॉड होता है, 10% फ्रॉड खाली बायर के एंड पे होते हैं, 90% फ्रॉड सप्लायर के एंड पे होते हैं, सीएचए के एंड पे होते हैं, ये ध्यान रखना। बायर से फिर आपको पेमेंट लेना होता है, पेमेंट टीटी से आता है, फॉरेक्स ट्रांसफर होता है, यूएसडी में ट्रांसफर होगा या तो एडी में होगा,
या तो INR में होगा, हम जो ट्रांसफर करते हैं क्लाइंट्स का वो मेनली USD में करते हैं, वो पेमेंट आने में 3-4 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि नॉर्मल पेमेंट की तरह नहीं होता है। इंटरनेशनल पेमेंट जो होती है वो हमेशा बैंक टू बैंक जाती है पहले, और वो बैंक से फिर इंटरनली ट्रांसफर होती है आपको। आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि भाई क्या का पेमेंट आया आपका फॉरेन से, अब दिखाओगे कि भैया एक्सपोर्ट किया था उसका आया है, उसके बाद में आपको दिखेगा। तो इस तरह से पूरा होता है। अब अपॉर्चुनिटी टू वर्क टुगेदर विद 100% सेफ ट्रेड। अब हमारे साथ में आप किस तरह से काम कर सकते हो सेफ्टी के साथ में, मैं थोड़ा अपना भी इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ 5 मिनट में, जिससे आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाए कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। ये हमारी कंपनी है, ये हमारा प्रोफाइल है GFE, ग्लोबल फेडरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, और हम लोग काफी सारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। हमारी कुछ कंपनीज है, एक तो हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इंडिया में, GFE करके, ग्लोबल फेडरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरह काम करता है, ये सेक्शन 8 कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, और हमारा एक इम्पैक्ट पर्स करके ब्रांड है, और इसके अंडर में हम लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की ट्रेनिंग भी देते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस सेटअप, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का शिपमेंट, ये सब पूरी प्लानिंग करवा के देते हैं। इसके अलावा हम लोग वीजा वर्क परमिट वगैरह का काम है, ई कॉमर्स का भी हमारा काम है, इसके थ्रू भी एक्सपोर्ट होता है ई कॉमर्स के थ्रू भी, और हमारी एक लॉजिस्टिक की कंपनी भी है, उसके थ्रू सारा लॉजिस्टिक्स भी हम इंटरनली मैनेज करते हैं खुद। हमारी कंपनी दुबई में है, जिसका नाम है GFE वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग LLC दुबई। तो दुबई का जो सारा गल्फ कंट्री का जो ट्रेड है वो उसके थ्रू रूट होता है। दुबई में जितना भी इम्पोर्ट हो रहा है इंडिया से या इंडिया के बाहर से कहीं से भी, वो इस कंपनी पे आता है, और ये कंपनी बाहर एक्सपोर्ट भी करती है, इंडिया में भी कुछ चीज एक्सपोर्ट करती है यहाँ से, और दूसरे कंट्रीज में भी करती है, मलेशिया में, चाइना में, ये सब जगह पर भी एक्सपोर्ट करती है। इसके अलावा एक हमारी कंपनी मलेशिया में भी है, GFE मलेशिया SDN BSD करके। वो कंपनी का काम ये है कि जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट एशिया में जो भी काम है, यानी मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, या मालदीव्स हो गया, वो जो पूरी बेल्ट है, वहां पे जो भी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज है उसको कैप्चर करना। बहुत ज्यादा काम वहां पे नहीं हो रहा है अभी, लेकिन अनियन के 4-5 कंटेनर का मंथली काम मलेशिया में होता है अभी हमारा, जो हम आगे बढ़ाने वाले हैं अभी। तो मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर बहुत बड़ा मार्केट है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं अभी, उसको हम लोग एक्सपेंड करना चाहते हैं। फिर हमारा एक फास्ट फूड का चेन रेस्टोरेंट है फूडिस करके, इसके हमारे 22 रेस्टोरेंट है जो कि इंडिया में चलते हैं, इसको हम लोग अभी दुबई में भी लॉन्च करने वाले हैं। तो ये एक हमारा एक अलग वेंचर है जो हमारे उससे मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें जो फूड स्टफ की रिक्वायरमेंट होती है वो हम खुद इम्पोर्ट करते हैं। तो इंडिया में जितना भी रिक्वायरमेंट होता है इसका, फूडिस का, वो इंडिया से आता है सारा, और जो हम दुबई में लॉन्च करने वाले हैं वो भी सब इंडिया से इम्पोर्ट होएगा। अभी हमारा जो प्रेजेंस है, हम इंडिया के 50 सिटीज में है प्रेजेंस, हमारे मेंबर, हमारे एसोसिएट, हमारे क्लाइंट, और 30 कंट्रीज के लोग हमारे साथ अभी तक कनेक्ट हो चुके हैं, हमसे ट्रेनिंग ले चुके हैं, हमसे बिजनेस सेटअप कर चुके हैं, हमारे साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इन्वॉल्व हो चुके हैं या अभी भी इन्वॉल्व है। तो ये 30+ कंट्री के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एज एक्सपोर्टर, एज ए इम्पोर्टर, एज ए ट्रेडर, वट एवर। 18,000 लोगों तक हमने अभी तक अपनी ट्रेनिंग्स, अपने जो मेथड्स हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के, वो पहुंचाए हैं थ्रू वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम, वेरियस वेबिनार, थ्रू वेरियस सेमिनार्स ऑल्सो। पेंडेमिक से पहले हम लोग सेमिनार करते थे हर सिटी में जाके, अभी हमने वो उसके बाद वो ऑनलाइन कर दिया, तो वो सब वेबिनार होना चालू हो गया। ये भी एक इवेंट हो रहा है, इसमें भी हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर रहे हैं। 6 साल से हमें एक्सीलेंस अवार्ड मिल रहे हैं, लीडरशिप के, ट्रेनिंग के, नेटवर्किंग के, बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, बेस्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के, 6 साल से लगातार हमें अवार्ड मिल रहे हैं। और आज हम प्राउड के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है फार्मर्स का, ट्रेडर्स का, सप्लायर्स का, बायर्स का, CHAs का। तो जो भी कंट्री में मेनली ट्रेड होता है इंडिया से, हर जगह पे हमारा नेटवर्क मौजूद है। तो आप हमारे इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होके बहुत सारे काम कर सकते हो सेफ तरीके से। और 300 बिजनेस इवेंट हमारी खुद की होती है हर साल, 300+ इवेंट हम लोग करते हैं, इवेंट मतलब वेबिनार हो गए, सेमिनार हो गए, वर्कशॉप्स हो गए, नॉलेज शेयरिंग सेशंस हो गए, इंडस्ट्री कनेक्ट हो गए, थर्ड पार्टी कनेक्ट हो गए, जैसे आज भी एक इंडस्ट्री कनेक्ट हो रहा है, ऐसे बहुत सारे इवेंट हम लोग करते हैं। और करीब 100 लोग हैं हमारी टीम में जो जुड़े हुए हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज में लोकेटेड है, जिनके थ्रू हमारा सारा चलता है। ये हमारी टीम है GFE की, और ये GFE न्यूज है मीडिया में, GFE न्यूज। GFE ग्रुप इज द न्यू डेस्टिनेशन आफ्टर कोविड फॉर न्यू स्टार्टअप एंड ट्रेडर्स हु वांट टू ग्रैब इंटरनेशनल बिजनेस। ग्लोबल फेडरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज ए सेफ जोन फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स
who are badly facing risk in Gulf countries. तो ये मीडिया जो हमारे बारे में लिखता है कि हम लोग एक सेफ जोन है जो एक्सपोर्टर को हेल्प कर रहे हैं, और अब हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, आपको ए टू जेड पूरा बिजनेस सेटअप हम करवा के दे सकते हैं, गारंटीड शिपमेंट प्लान है हमारा एक, उसमें हम आपको पूरा हेल्प करते हैं, आपका पूरा पहला बिजनेस सेटअप करते हैं, आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, फिर हमारे नेटवर्क के थ्रू आपके शिपमेंट करवाए जाते हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है, सेफ्टी की, पेमेंट की, हर चीज की। तो आपका पेमेंट कहीं जाएगा नहीं, कोई फ्रॉड आपके साथ नहीं होगा, कोई रिस्क आपके पैसे पे नहीं आएगा, वो सब जिम्मेदारी हमारी होती है, और इसका 100% सक्सेस रेशियो है ऑब्वियसली, क्योंकि जो भी आएगा वो एक्सपोर्टर बनकर ही बाहर निकलेगा। तो ये हमारा एक गारंटीड शिपमेंट प्लान है जिसमें तीन स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में उनको पूरी एडवांस नॉलेज दी जाती है सारी, गवर्नमेंट के बेनिफिट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, वो सब। सेकेंड स्टेप में उनका पूरा एक्सपोर्ट का हाउस का सेटअप किया जाता है, उनका खुद का पूरा रजिस्ट्रेशन, पोर्टल, B2B वेबसाइट बना के दी जाती है उनको, ये सब रेडी करा जाता है उनका पूरा सेटअप। तो उनका पूरा कंपनी सेटअप हो गया, लाइफ में एक बार ही करना होता है, फिर आपको लाइफ टाइम बैठ के बिजनेस ही करना है। और थर्ड स्टेप में आपका पूरा शिपमेंट स्टार्ट होता है, शिपमेंट हमारे थ्रू होगा, हम स्टार्ट करवाएंगे, हम पूरा सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, एक दो शिपमेंट आपने कर लिए, फिर आप खुद से कहीं पे भी जो चाहे वो ट्रेड कर सकते हो, हमारी तरफ से अब आप ट्रेंड हो, और हम तो आपके साथ लाइफ टाइम है ही, हमारे साथ जितना भी ट्रेड करना है वो आप कर ही सकते हो, जहां जहां पे हमारी कंपनीज है वहां पे आप सीधा एक्सपोर्ट कर सकते हो हमें, हम खुद बायर्स हैं, मलेशिया में हम खुद बायर हैं, दुबई में हम खुद बायर हैं, और जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, ओमान, कतार, बहरीन, ये सब कंट्रीज में हम खुद बायर्स हैं, तो हमें आप माल भेज सकते हो कितना भी। तो डोंट वरी, हम आपके साथ हर तरह से तैयार है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है उसके लिए आप ये नोट कर लीजिए मेरे फोन नंबर से, एक मेरा इंडिया का नंबर है, एक मेरा दुबई का नंबर है, मैं कॉल्स में अवेलेबल नहीं रहता हूँ, मुझे आप व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजें या मैसेज भेजें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा या मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी, बट मैं कॉल्स पे नहीं एक्टिव रहता हूँ, कॉल्स में बहुत ही कम ले पाता हूँ ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। तो ये मेरे दो नंबर है, एक इंडिया का नंबर है, एक दुबई का नंबर है, दोनों नंबर एक्टिव है, दोनों नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नोट भेज सकते हो, वॉइस नोट भेज सकते हो, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कर सकते हो। तो ये आप नोट कर लीजिए ये दोनों नंबर, उसके बाद कोई भी आपके क्वेश्चन से आप लिखिए चैट में, मैं उसके आंसर देता हूँ। अभी हमें अभी क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ आगे चलते हैं। तानिया, वी कैन टेक सम क्वेश्चंस प्लीज। यस सर। सो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, अभी हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सर, जैसे कि आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं ऑलरेडी अपने ब्रीफ में, लाइक हाउ टू गेट सप्लायर्स एंड सेफेस्ट पेमेंट मोड, तो सर यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है लोगों के, बट कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, लेट मी टेक वन बाय वन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बंसवरा जी। So, उन्होंने पूछा है, पेरिशेबल गुड्स हैव लिमिटेड शेल्फ लाइफ, सो क्लियरेंस इन मिनिमम टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे सर? वेरी गुड पॉइंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट पूछा है जिसने भी पूछा है जी। काफी सारे लोग यहाँ पे गलतियां करते हैं, वो लोग करते क्या है कि पहले शिपमेंट कर दिया उठा के, अब शिपमेंट तो कर दिया, CHA अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं, CHA के पास भी बहुत सारे क्लाइंट होते हैं और बहुत सारे शिपमेंट होते हैं, तो वो खाली सबका काम छोड़ के आपके शिपमेंट के पीछे पड़ेगा, उसको टाइम पे पहुंचाएगा, वो सब तो होगा नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने शिपमेंट का खुद ख्याल रखना होता है, कब शिपमेंट पहुंच रहा है उससे पहले ही उसकी सारी फॉर्मेलिटी हो जाए, उसके सारे BL वगैरह सरेंडर हो जाए, जो सामने वाली पार्टी है उसको माल ट्रांसफर हो जाए, वो सब पहले ही करना पड़ता है। लोगों का शिपमेंट पहुंच जाता है वहां पे, पोर्ट पे पड़ा रहता है तीन तीन दिन, तब उनको ध्यान आता है कि हाँ मेरा पोर्ट पे पहुंच गया, पहुंच नहीं गया, तीन दिन का खर्चा लग गया आपका। जैसे पोर्ट पे मटेरियल पहुंचता है आपका, उसके बाद डेली 550 dirham पर डे की चार्ज लगनी चालू हो जाती है, डिवरेज चार्जेस 550 dirham पर डे का, तो दो कंट्रा होते हैं नॉर्मली एक शिपमेंट में, तो 1100 dirham का तो चार्ज चालू हो गया आपका, कितना हुआ 22,000 rupees पर डे का। तो ये खर्चे अपने को बचाने होते हैं, वो एफिशिएंसी अपने को चाहिए। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने SOP बना के दिया हुआ है सप्लायर को, हमने SOP बना के दिया हुआ है CHA को कि देखो भाई day 1 पे आपका बुकिंग हो गया, day 2 पे आपका कंट्रा यहाँ पे पहुंचेगा, day 2 पे ये स्टफ हो जाएगा ये टाइम तक, day 3 पे गेट इन होएगा, day 4 पे आप हमें डिटेल भेजोगे कि गेट इन सक्सेसफुली हो गया है प्रॉपरली और कूलिंग में चला गया है, कूलिंग स्टार्ट हो गया है, पूरा SOP बना के दिया हुआ है। फिर जब यहाँ से निकलेगा, पोर्ट से डिस्चार्ज होगा, तो वो हमें उसका इन्फॉर्मेशन आएगा,
फिर उसका जो ETA है एस्टिमेटेड ट्राइवल टाइम ऑफ अराइवल वो हमें चाहिए, वो पहले ही मिल जाता है अपने को, तो उससे 3 दिन पहले अपना BL सिलेंडर हो जाना चाहिए। तो जब कंटेनर वहां पे लग जाए, लगते ही उसका DO उड़ जाए, डिलीवरी ऑर्डर उड़ जाए, डिलीवरी ऑर्डर अपने हाथ में आते ही अपना कोई 0 चार्ज लगेगा और अपना मटेरियल सीधा मार्केट में पहुंच जाएगा। दैट इज कॉल्ड SOP, मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। ये लाइन लिख लो अपनी डायरी में सब लोग, मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। एक्सपोर्ट की लाइन में जो पैसा आपने बचा लिया ना, वही आपकी कमाई है। क्योंकि जब फॉरेन मार्केट में माल पहुंचता है ना, तो जो मार्केट का रेट चल रहा होता है वो रेट पर माल बिकता है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हो। आप कर क्या सकते हो कि आपने जो खर्चे बचा लिए, जो कॉस्टिंग कम कर ली, वो आपकी कमाई है। और एक्सपोर्ट में एक चीज और ध्यान रखना सभी लोग, एक्सपोर्ट में जो प्रॉफिट होता है वो बाइंग के टाइम पे होता है, ना कि सेलिंग के टाइम पे। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैं 8-10 साल से काम कर रहा हूँ ये लाइन में। बाइंग पे प्रॉफिट होता है बाइंग के टाइम पे, सप्लायर को जब आप अच्छी क्वालिटी का माल अच्छे प्राइस पे लेते हो तो वो आपका प्रॉफिट है, क्योंकि सेल तो आपका जो मार्केट प्राइस पे होने वाला है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो जितनी कॉस्टिंग हो सके उतनी दबा के आप काम करो, तब जाके आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और हर चीज का SOP फॉलो करो। सप्लायर को भी हमने SOP बना के दिया हुआ है कि कैसे पैकिंग होगा, कैसे उसके फोटो आएंगे, कब उसके वीडियो भेजने, कब उसकी लोडिंग के वीडियो भेजने, कब उसका वेट स्लिप आएगा, वो पूरा SOP बना हुआ है। तो वो सब चीजें सिस्टमेटिक वे में करना है, तब जाके आपको कॉस्ट बचेगी, खर्चा कम लगेगा, तब जाके आपको कुछ प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। तो इस तरह से आप इसमें आगे जा सकते हो, सप्लायर के साथ इस तरह से डील कर सकते हो, जो आपका क्वेश्चन था। या नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आई एम अ न्यू एक्सपोर्टर इन स्पाइसेस। ये प्रयाग जी का क्वेश्चन है। सो इनका क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द फूड स्टैंडर्ड पैकेजिंग स्टैंडर्ड इन USA, गल्फ कंट्रीज एंड यूरोप कंट्रीज। पैकेजिंग का स्टैंडर्ड कंट्री वाइज नहीं होता है, पहली बात तो ये। पैकेजिंग का जो स्टैंडर्ड होता है, क्वालिटी का स्टैंडर्ड होता है, वो क्वालिटी का आपको मिल जाएगा जो आपको बायर देगा, लेकिन पैकेजिंग का जो स्टैंडर्ड है वो बायर पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ लाइव फिर से हमारी कंपनी का। हमारा जो अनियन है वो कौन कौन सी पैकिंग में आता है? एक पैकिंग आती है 9 kg की पैकिंग, एक पैकिंग आती है 18 kg की पैकिंग, एक पैकिंग आती है 20 kg की पैकिंग, एक पैकिंग आती है 45 kg की पैकिंग, एक आती है 38 kg की पैकिंग, एक आती है 50 kg की पैकिंग। ठीक है, ये सारी पैकिंग में हमारा अनियन आता है। अब ये कैसे कैसे चलता है? वही माल है, वही मटेरियल है, वही कमोडिटी है, वही HS कोड है, लेकिन पैकिंग 10 तरह की क्यों है? तो डिपेंड करता है कि बायर क्या चाहता है, बायर कौन सी कैटेगरी का है। अब मैं आपको बताता हूँ बायर किस तरह से चलता है। 9 kg की जो पैकिंग है वो मलेशिया जाती है, मलेशिया के सुपर मार्केट में माल जाता है हमारा 9 kg वाला। 18 kg की जो पैकिंग है वो यहाँ के सुपर मार्केट में, यानी दुबई के सुपर मार्केट में माल जाता है। आज मैं दुबई में ही हूँ इसलिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ, और यहाँ का जो टाइम है अभी 3:30 बजे यहाँ पे दुबई में। तो यहाँ की जो पैकिंग है 18 kg की और 20 kg की पैकिंग सुपर मार्केट में चलती है, 18 kg वाली स्पेशली, और 20 kg की जो पैकिंग है वो होरेका में चलती है, होटल रेस्टोरेंट में। तो हमारा माल यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट में जाता है वो 20 kg की पैकिंग में जाता है, और जो सुपर मार्केट में जाता है वो 18 kg की पैकिंग जाती है। फिर आता है 38 kg की, 45 kg की, और 48 kg की या 50 kg की पैकिंग। ये जो बड़ी पैकिंग होती है ये पैकिंग जाती है डायरेक्ट उन लोगों के पास में जो अनियन के गोडाउन, यानी जो होलसेलर्स हैं, वो बड़ी पैकिंग मांगते हैं, उसकी कॉस्ट कम होती है और माल उनको ज्यादा एक साथ चाहिए होता है, जिससे कि उसको रीपैक करते हैं वो लोग। तो वो वहां पे पैकिंग को ओपन करते हैं, उसकी रीपैकिंग करके अपने हिसाब से माल तैयार करते हैं, और वो वापस उनको आगे सप्लाई करना होता है शॉप्स पे, सुपर मार्केट में, दूसरे हाइपर मार्केट में, वो सब जगह पे। तो जैसा बायर वैसी पैकिंग, पैकिंग को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होने का। सिंपल अपने बायर को पूछो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो स्पाइसेस है, चाहे वो पेरिशेबल है, चाहे वो नॉन पेरिशेबल है, अपने बायर को पूछो आपको क्या पैकिंग चाहिए, कैसी पैकिंग चाहिए, उसका सैंपल भेजो, उसका फोटो भेजो, उसका वीडियो भेजो, वो आपको मैच करना है। पैकिंग में अपना कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा बायर को पूछो, जो बायर को चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। या नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम। ओके, सो वैभव नगर जी का क्वेश्चन है, वेयर टू स्टोर पेरिशेबल गुड्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इफ आवर कंपनी डज नॉट ओन अ वेयर हाउस और अ प्लेस। वेरी इजी, डोंट वरी, आपको यू डोंट हैव टू ओन अ वेयर हाउस फॉर दिस थिंग। आपको हर जगह पे वेयर हाउस मिल जाएंगे, इनको भाड़े पे आप ले सकते हो,
बॉडी नॉमिनल रेट पे आपको रेंट पे मिल जाता है वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज, वहां पे आप अपना मटेरियल रख सकते हो। एक बार हमारे साथ क्या हुआ, हमने इम्पोर्ट किया था एक कंटेनर जिंजर का चाइना से, तो जब किया था उस टाइम पे रेट चला था 12 दिराम पर बॉक्स चल रहा था, हमें कॉस्टिंग पड़ी 8 दिराम 9 दिराम की, 8.5 दिराम की कुछ कॉस्टिंग पड़ी थी इम्पोर्ट करने की सब मिला के, तो 2-3 दिराम का प्रॉफिट हमें उसमें मिल रहा था। जब मार्केट में माल आया तो रेट हो गया 6 दिराम मार्केट रेट, और 8.5-9 रुपए की तो कॉस्टिंग है हमारी, और मार्केट में बिक रहा है 6 दिराम पे। हमने सारा माल उठा के गोडाउन में डाल दिया, रेंट पे गोडाउन लिया वो डाल दिया, वो पर पैलेट के हिसाब से आपको मिलता है, एक पैलेट में जितना भी माल आएगा वो आप उस पर चढ़ा सकते हो, पर पैलेट का आपको रेंट देना पड़ता है वीकली, वीकली का हिसाब होता है। तो हमने सारा गोडाउन में उठा के डाल दिया, 3-4 वीक्स के बाद वही माल वापस हमने 11-12 रुपए पे बेच दिया, क्योंकि रेट मार्केट में ऊपर आ गया वो टाइम पे। अगर हम गोडाउन नहीं लेते, हमें ये था कि अभी माल आ गया तो अभी बेचना ही पड़ेगा, तो हम लॉस में बेचते, तो थोड़ा बहुत खर्चा लगा, 2-2.5 हजार दिराम का खर्चा लगा, लेकिन हमारा 6,000 बॉक्स थे, एक कंटर में 6,000 बॉक्स आते हैं जिंजर के, तो 6-18 हजार दिराम का हमारा करीब प्रॉफिट मिला, उसमें से 2-3 हजार दिराम का हमारा कॉस्ट लग गया। तो हमेशा हर कंट्री में आपको ये स्टोरेज मिल जाते हैं रेंट पे, वो इतना बड़ा इशू नहीं है, डोंट वरी। आप कुछ भी भेजो पेरिशेबल, वहां पे पता करके रखो कि कहाँ पे कोल्ड स्टोरेज है, अगर प्राइस कम भी है तो वहां पे आप रख सकते हो 2-3-4-6 वीक के लिए, कोई भी कमोडिटी रख सकते हो, और अगर कोकोनट जैसी चीज है तो उसको तो आप 2-3 महीना भी रख सकते हो, कोकोनट है, एलिफेंट याम है, मैदा राइस है, इनको तो आप 3-4 महीना भी रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। या मैडम, ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर टॉप 3 expert tips फॉर फर्स्ट टाइम पेरिशेबल एक्सपोर्टर्स? What are the top 3 expert tips for first time perishable exporters? सही लोगों से जुड़ के काम करो, पहली टिप और आखिरी टिप यही है, एक ही टिप काफी आपके लिए, कि सही लोगों के साथ कनेक्ट हो जाओ पहले, वो अचीवमेंट है, उसके बाद काम करो, नहीं तो काम मत करो स्टार्ट। किसी कमजोर पार्टी के साथ जुड़ के काम मत करो, आप कहीं ना कहीं पे गलतियां कर ही जाओगे, क्योंकि बहुत सारी गलतियां इसमें होती है। तो मैं नहीं कहता हमारे साथ ही जुड़ो, हमारे साथ भी जुड़ सकते हो, वेलकम है आपका, लेकिन हमारे जैसे किसी भी अच्छे पार्टनर के साथ जुड़ के काम करो, वो आपको आपकी गलतियां संभाल के चलेगा, पहले से ही आपको गलतियां नहीं करने देगा, तो एक ही टिप काफी आपके लिए। या मैडम, सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसी ने पूछा था, ये हमारे फॉर्म में अवेलेबल है ये क्वेश्चन, सो कैन वी एक्सपोर्ट ऑनियन ऑन SBLC पेमेंट बेसिस, आवर एजेंसीज लाइक ECGC एंड बैंक्स आर एक्सेप्टिंग इट? कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये वहां पे करने की जरूरत पड़ेगी जहां पे आपकी सामने वाली पार्टी रिलायबल नहीं है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि इतना तो मार्जिन ही नहीं है पेरिशेबल में, जितना आपका खर्चा उसमें LC में लग जाएगा, तो 5-6% की LC ओपन होती है, अब वो LC ओपन का खर्चा वो तो इंपोर्टर तो लेगा नहीं अपने सिर पे, वो आपके ऊपर डालेगा, और आपके ऊपर डाल दिया तो आपको तो मार्जिन चला गया सारा, लॉस में आ गया ट्रेड आपका। तो इसलिए पेरिशेबल में कभी भी LC पे काम नहीं होता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये तो है प्रॉब्लम, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि एक ऐसी पार्टी ढूंढो जो रिलायबल हो, जिस पे आप बिना LC के भी भरोसा कर सको, उसके साथ काम करो, तो आपका LC का खर्चा भी बच गया और पेमेंट भी सेफ हो गया। और आगे चल के जब आप नॉन पेरिशेबल में काम करो तो LC पे काम कर सकते हो। अगर आपका घर का माल है, आपका घर में मैदा की फैक्ट्री है, आपके घर में राइस की फैक्ट्री है, राइस क्लीनिंग की फैक्ट्री है, तो आप खुद से LC पे काम कर सकते हो। उसमें मार्जिन इतना होता है, 10-12% का मार्जिन मिल जाता है, 6% की कॉस्ट निकाल दो तो भी 4-5% अपने को मिलता है, दैट यू कैन डू। बट पेरिशेबल में वो पॉसिबल नहीं है, उतना मार्जिन ही नहीं होता है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि एक अच्छी पार्टी ढूंढ के उसके साथ काम करो। सर सर ये लास्ट क्वेश्चन में ले रही हूँ, इवन इफ वी डोंट जॉइन योर कोर्स कैन यू एक्ट एज बायर टू अस टू दुबई? यस वी आर डूइंग दैट, वी डोंट एम्फेसाइज ऑन जॉइनिंग द कोर्स। एक्चुअली हमारे पास कोर्स ज्वाइन करने की करीब 50 रिक्वेस्ट आती है एवरी मंथ, और हम कितनी ले पाते हैं, सिर्फ 30, क्योंकि हमारे 2 बैच चलते हैं 15-15 के, और वो 2 बैच फुल होने के बाद में हमारी एडमिशन बंद हो जाती है, और उसमें हमारी एडवांस बुकिंग चल रही होती है कई कई महीनों से। तो वी डोंट एंटरटेन लॉट ऑफ यू नो ट्रेनीज। तो जो लोग डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं उनका वेलकम है हमेशा के लिए, वो आप हमारी वेबसाइट, हमारा यूट्यूब आप देखें, GFE के नाम से सर्च करें गूगल पे हमारा नाम, तो हमसे कनेक्ट हो जाइए हमारी टीम से, मेरे जो नंबर है उस पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो मेरी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। मैं आपको फिर से वो स्लाइड दिखा भी देता हूँ एक बार, तो इस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है।
या फिर नोट कर लीजिए, मैं आपको वापस दिखा देता हूँ, ये कॉन्टेक्ट नंबर से, इस पे आपको मुझे जो भी मैसेज करना है कर दीजिए, तो मेरी टीम आपसे बात कर लेगी, आपको गाइड कर देगी। और आपको कोई भी क्वेश्चन फर्दर है, अभी हम लोग टाइम की लिमिटेशन, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे, लेकिन इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस आपके अगर बाकी हैं, आप सबके सामने नहीं पूछ पा रहे हो, या आपका कोई भी पॉइंट है, कोई भी इश्यू आप डिस्कस करना चाहते हो, यू कैन डू दैट। हमारी टीम आपको पूरा आंसर करेगी, पूरा गाइड करेगी। मैं भी जहां तक पॉसिबल होगा मैं आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई कर दूंगा, और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी। हम लोग ये इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं, हम और तानिया मैडम की कंपनी, हम इसी काम में लगे हुए हैं दोनों लोग। जी सर, तो इसी के साथ Q&A सेशन खत्म करते हैं सर। बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ आए, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, और हमारे एक्सपोर्टर्स को एड्रेस करने के लिए, और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, थैंक यू सो मच। और थैंक यू आप सबको भी जो आप यहाँ आए और ये वेबिनार अटेंड किया। मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत सी जानकारी मिली होगी। अगर आपको बिजनेस रिलेटेड या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप GFE ग्रुप को कॉन्टेक्ट करिए, जैसा कि सर ने बताया है। और लॉजिस्टिक रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है, तो सिट्रस ऐप डाउनलोड करें और अपने कॉल शेड्यूल कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। वेबिनार वीडियो का लिंक आपको अगले वेडनेसडे तक मिल जाएगा, आप और भी लोगों को शेयर कर सकते हैं। सर, इसी के साथ मैं आपका 2 मिनट और लेना चाहूंगी। तो सिट्रस फ्रेट एक इनिशिएटिव ले रहा है टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग एंड कार्बन फुटप्रिंट एंड मेक अ गुड एनवायरमेंट, इसमें हमें आपका सपोर्ट चाहिए होगा, और इसके रिगार्डिंग भी अपडेट होगा जो कि आपको हमारे आने वाले वेबिनार्स में पता चलेगा। सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड लिंक्डइन पेज, जो कि हमने आपको चैट बॉक्स में शेयर किया हुआ है। आपको और भी जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ से मिल जाएगी, आगे जितने भी वेबिनार्स होंगे आपको जानकारी मिल जाएगी। और हम वैभव शर्मा सर से जरूर कनेक्ट करेंगे और भी वीडियोस के लिए, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।